माँ आज आप अकेली बैठी हुई हो? अरे बिटुआ, मुझे ना तुमसे कुछ कहना था। क्या कहना है माँ, जल्दी बताइए। मैं तो अपने फ्रेंड्स के घर पे जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है, जल्दी से बताइए। वो बेटा कल ना एंगेजमेंट है। आ, किसकी एंगेजमेंट है मम्मी? वो तुम्हारी है। क्या, मेरी? मेरी सगाई है और मुझे पता ही नहीं किससे है। तो बेटा, चाहे तो तुमने जिस लड़की उस लड़की को लेके आया है तो उससे शादी कर, या फिर मेरी दोस्त की बेटी से। तो तुम, तेरे पास यही दोनों चॉइस है, तुझे इन दोनों में से ही किसी एक से शादी करनी होगी। माँ, ये कैसा डिसीजन है, अभी मुझे टाइम दीजिए। नहीं बेटा, सगाई की बहुत अच्छी मुहूर्त है, और ये मुहूर्त पिछले इस साल में कभी भी नहीं आएगा ये मुहूर्त। हाँ, इस बार है ना, तो कल इंगेजमेंट हो जाएगी और फिर 25 तारीख को शादी। ओ मम्मी, मैं जिस लड़की को लाया हूँ मैं उसे शादी करूँगा। हाय बिटवा, मेरा प्यारा बिटवा। आती थी बिटवा कि तू अच्छा ही पसंद करेगा। चल मैं अब सबको बताती हूँ। टिंके पिंके टिंकी, घर में जितने भी लोग हो सब आ जाओ नीचे। क्या हुआ आंटी जी? राज, तुम्हें कुछ पता है क्या इसके बारे में? वो माँ ही बता देगी, तुम जाकर बैठो। ठीक है आंटी जी, कौन सी ऐसी खबर देनी है? अरे सबको आने तो दो, एक साथ में ही सबको बताऊंगी। भगवान, अब भला ये कौन सी नौटंकी है? ओ हाय राज, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ क्या बताने वाली है, ऐसे ज़रूरी अनाउंसमेंट? हाँ मुझे पता है। क्या? वो अभी मम्मी थोड़ी देर में बता देगी, सबको आ जाने दो। ठीक है। भगवान, इतनी सुबह सुबह मुझे उठा दिया, क्या ज़रूरी अनाउंसमेंट करनी है तुमका? इतनी सुबह सुबह कौन उठता है भला, ऐसे परिवार है ये लोग। नो, आंटी जी, नो, नो, नो। जितनी ज़रूरी काम थी। बिटिया, सब लोग सुनो, मैं ये कह रही हूँ कि कल मेरे बिटवा की एंगेजमेंट है, यानी कि सगाई है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने तो कहा था कि तुम मेरी बेटी से बेटी की शादी करवाओगी। और कहाँ गई वो तुम्हारी प्रॉमिस? आज तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। को मैंने कहा था कि मेरा बेटा अगर तुम्हारी बेटी को पसंद करेगा तभी शादी होगी, ऐसे नहीं। ये सब कुछ नहीं जानती। बेटी की शादी इस अनाथ लड़की से कर रही हो जो कि सड़क पे भागी चल रही थी, जिसके पीछे इतने सारे गुंडे लगे हुए थे, उससे तुम शादी कर रही हो? बात नहीं मम्मी, जाने दीजिए ना, खुश हो अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी देखकर। कॉन्ग्रेचुलेशंस राज और जूली। या तुम सब मतलब ही परिवार की वजह से मेरी बेटी रो रही है। अरे बिटिया रुक जा। बिटिया रो मत बिटिया, फाइनली मुझे जिसका डर था वही हुआ, उसने फिर से मुझे धोखा दिया। बोली ना, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, कहो तो हम इसे अभी टपका देते हैं। नहीं माँ, और वैसे भी माँ, अगर मैं ज़बरदस्ती भी शादी कर लूँ तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। राज खुश नहीं रहेगा तो मैं भी कभी नहीं खुश रह पाऊंगी। तो जब तक राज मुझसे आके खुद नहीं कहेगा कि वो मुझसे शादी करेगा, तब तक मैं उससे शादी नहीं करूँगी माँ। तो सपने देखती रह, ऐसा वो कभी नहीं करेगा, मुझे पता है। पागल लड़की कहीं की, अब तू भी इधर उधर मत हो। जी माँ, मुझे नहीं करनी है शादी ऐसे। इसकी शादी थोड़ी ना होती है, शादी ढंग से होती है माँ, ऐसे नहीं होती है। जब तक राज मुझसे आकर खुद नहीं कहेगा कि वो मुझसे शादी करेगा, तब तक मैं नहीं करूँगी। हाँ तो मरती रहना। आजकल के बच्चों, मुझे तो सुननी नहीं है इसे। अरे आंटी जी, एंगेजमेंट के लिए ये वाला लहंगा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्या है ना, तो राज बेटा से भी पूछ ले तू जाके। ठीक है। राज भैया, आप कैसा लहंगा लेंगे? क्या, मैं लहंगा पहनूं? मेरा मतलब है आप कैसा ड्रेस लेंगे। वो ब्लैक ले लेना। बोली बिटिया, तुम खुश तो हो ना बिटिया? हाँ जी आंटी, मैं खुश हूँ। मेरे लिए माँ से कम नहीं हो आप, बहुत अच्छी हो। आपने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया है कि आपको मैं माँ बोलूँ। बिटिया अब हम कभी इतना रुलाओ मत प्यारी बिटिया।
मेरी बेटी हो, मेरी बेटी को ये लोग रुला के और खुद खुद जश्न मना रहे हैं। देखती हूँ कैसे होती है ये एंगेजमेंट और शादी, देखती हूँ मैं भी मेरी बेटी से शादी तोड़ के और ये लोग खुद शादी करेंगे। अभी मैं बताऊँगी, ये शादी कभी नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। बेटिया ये वाला लहंगा बहुत सुंदर लग रहा है और ये तो उजला कलर का भी है, मैं भी लहंगा चूज करने में हेल्प करूँ? हाँ हाँ ज़रूर, थैंक यू। ठीक है बेटिया, तुम दोनों लहंगा चूज करो, तब तक मैं आती हूँ। तो ये वाइट डॉट्स वाला कितना अच्छा लग रहा है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। पता है मैंने सोचा था कि जब मेरी एंगेजमेंट होगी तब मैं यही वाला पहनूंगी, बट हाँ मेरा हो ही नहीं रहा, तो तुम पहन लो, भी तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। लहंगा चूज हो गया तुम दोनों का? हमने लहंगा चूज कर लिया है और कल तो एंगेजमेंट है और कल बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ मुझे भी बहुत मज़ा आएगा, तो चलो गर्ल्स पार्टी करते हैं अब। मेरा मतलब है पार्टी नहीं, हम सो जाते हैं, काफ़ी रात हो गई है। हाँ हाँ ठीक है चलो मैं चलता हूँ। भाई भाई अच्छा ये बताओ ना, कौन सा रिंग लोगे, डायमंड वाला या फिर गोल्ड वाला? तुम पागल हो, गोल्ड वाला कौन पहनता है, डायमंड का लो ना। अरे हाँ हाँ डायमंड का ही लेती हूँ। है मैंने सुना है कि रेड डायमंड वाला नेक वो रिंग पहनाने से है ना तो रिश्ता लंबा होता है। ठीक है तो रेड ही ले लो। ठीक है मैं रेड ही ले लेती हूँ, सिल्वर पहनने से बहुत अच्छा रिश्ता होता है। अभी तो वो कह रही थी कि रेड से नहीं सिल्वर से बहुत अच्छा रिश्ता होता, तुम सिल्वर ले लो। ठीक है भी राज को सिल्वर कलर बहुत पसंद है। वाह तुम तो उसके बारे में सब कुछ जानती हो। हाँ बचपन से मैं माँ से सुनती हूँ उसके बारे में।